फ्रेंड्स, माय नेम इज अर्चना एंड वेलकम टू अर्चनास कुकिंग। आज मैं आपको एक और केक बनाना सिखाऊंगी। ये भी बिस्किट केक ही है, पर ये हाइड एंड सीक बिस्किट से बनेगा। नॉर्मल हाइड एंड सीक बिस्किट आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारा केक कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं इस वाले बाउल में हमारा जो केक है उसको मैं बेक करूंगी। आप किसी भी बाउल में ले सकते हैं। आप इसको ग्रीस कर लीजिए बस, और नीचे बटर पेपर लगा लीजिए। अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको ग्रीस कर लिया है तो ये आराम से निकल जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए बिस्किट्स, चाहिए हाइड एंड सीक बिस्किट। मैंने हाइड एंड सीक बिस्किट लिए थे। मैंने इसमें 35 बिस्किट्स लिए थे। ये आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, मार्केट में आसानी से मिलता है। और ये 35 बिस्किट्स को मैंने पीस लिया है। ये लूक वॉर्म हमने जो मिल्क लिया है ये 1 कप है, और पाउडर्ड शुगर है 3 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम हमारा जो केक है वो बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये केक बनाने के लिए बिस्किट पीस लिए थे, और अब इसमें मैं पाउडर्ड शुगर डालूंगी। ये 3 टेबलस्पून ली थी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बस अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए, कुछ नहीं करना है ज़्यादा। वही बिल्कुल पुराना वही तरीका है जो मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो दी थी मैंने ओरियो बिस्किट की, बिल्कुल उसी तरीके से बनता है। ये बहुत इजी है। आपके फ्रेंड्स वगैरह आए, उससे पहले आप इसको बना लीजिए। आप आराम से उनके सामने इसको सर्व कर सकते हैं, और केक सभी को बहुत पसंद आते हैं। को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें लूप वॉर्म जो हमने मिल्क था वो थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। एक साथ नहीं मिलाना है, नहीं तो लम्स आ जाएंगे। मैं सिंपल केक्स भी बनाती हूँ, बेसिक केक्स जो होते हैं, पर मुझे बिस्किट केक्स बनाना बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। कोई भी फ्रेंड्स आते हैं तो मैं फटाफट इसको बना देती हूँ। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है बिस्किट का, हमेशा डिमांड रहती है मुझे केक चाहिए, तो मैं फटाफट इसी तरीके से उसको केक बना के दे देती हूँ। आप इसमें सारा डाल दीजिए, दूध को मिक्स कर देंगे हम अच्छी तरीके से। बस मिक्स होने वाला है ये। आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिए। बस केक बन गए, बैटर हमारा बन गया है। अब हम इसको हमारा जो टिन जो हमारा हमने जो बर्तन लिया था जिसको ग्रीस करके रखा था उसमें डाल देंगे, और उसी तरीके से 5 मिनट्स हाई पावर पर हमें इसको रखना है। देखिए बन गया ये। अब इसमें डाल देंगे, बहुत आसान केक है, बहुत आसान, बेस्ट पार्टी फूड है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, बहुत मज़ेदार है। आप चाहें तो इसके अंदर आप चॉको चिप्स वगैरह भी डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इस पे क्या डालना चाहते हैं। बस अब इसे थोड़ा टैप करेंगे, इसमें जो बबल्स हैं वो निकल जाएंगे। अब मैं इसको 5 मिनट्स के लिए हाई पावर पे रखूंगी, और फिर हम इसको निकालेंगे और चेक करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने 5 मिनट के लिए हाई पावर पर रखा था इसको।
मैंने इसको निकाल लिया है और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए या फिर आप टूथपिक ले लीजिए, इसको हम चेक करेंगे। हम इसको बीच में डाल के देखते हैं। देखिए बिल्कुल क्लीन आ रही है, इसका मतलब है कि जो हमारा केक है वो बेक हो गया है। अब क्या करना है हमें, इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए, फिर हम इसको इस बाउल में से डिमोल्ड करेंगे, निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा केक था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है और इसके को मैं डिमोल्ड कर लेती हूँ। मैं इसको फ्लिप करूँगी, देखिए आसानी से निकल के आ जाता है, आराम से निकल के आ गया है, काफ़ी अच्छा बना है, फ्लफी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा बनाया हुआ केक कैसा लगा, आप प्लीज़ ज़रूर बना के देखिएगा इसको और मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। आपको कुछ और भी किसी तरीके का आपने बिस्किट केक पहले भी बनाया हो तो प्लीज़ आप उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़ेदार केक बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होती है। जब भी फ्रेंड्स आए, आने से 10-15 मिनट पहले आप इसको बना दीजिए, ठंडा हो जाएगा तब तक, और फिर अपने फ्रेंड्स के सामने इसको सर्व कीजिए। ठंडा, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब आप इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग कीजिए। बहुत मज़ेदार बनता है, प्लीज़ ज़रूर बना के देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।